अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखो, ये फोर सीलिंग की छतों पे डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा ये डिज़ाइनिंग कैसे तैयार होती है। ये चेन और पॉलिश का काम हो रहा है। ये मैंने सबसे पहले नीचे इसकी ज़मीन एल पॉन्ड से तैयार की है, एल पेंट से तैयार की है। ये मैंने नीचे बीच कलर का पेंट लगाया था, इसके ऊपर अब मैं ग्रीन एल ट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर शेडिंग भी करूँगा और कलर की। ये देखें, ये बराबर से आपने माल को मिक्सचर करना है। बराबर से आपने माल को फैलाना है। ये देखो, ये मैंने ब्राउन शेड का ये जो है ना दूसरा शेड दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तीसरा भी शेड दूंगा इसके ऊपर। आपने एक साथ शेडिंग नहीं करनी, मतलब लाइनें नहीं बनानी शेडिंग की, बबके बबके से आपने शेडिंग करनी है दूसरे कलर की, डिफरेंस कलर की। उसके बाद ये मैं देखो, ये मैं तीसरा कलर उठा रहा हूँ। आप दो कलर में भी आप तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये देखो, ये मैंने येलो शेड दे रहा हूँ इसके ऊपर। इसके बाद आप कपड़े से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, मलमल के कपड़े से, जैसे कि अखबार से भी बना सकते हो आप। ये मैं फोम की मदद से इसको मैं तैयार करूँगा। जो भाई हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखो दोस्तों, मैं अच्छी तरह माल को मिक्सर कर रहा हूँ, मतलब फैला रहा हूँ माल को, बराबर से माल को फैला रहा हूँ। ये आपने अच्छी तरह तीनों शेडों को मिक्सर करना है आपने। ये शेड आपने बराबर करना है। इन तीनों शेड में से कोई भी शेड तेज़ नहीं होना चाहिए, मतलब डार्क नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी तरह मलमल के कपड़े से इसको बराबर करना है। हमारे चैनल पे न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप इसको मलमल के कपड़े से भी डिज़ाइन फॉलो कर सकते हो, अखबार से भी डिज़ाइन फॉलो कर। ये देखो दोस्तों, मैं माल को अच्छी तरह फैला रहा हूँ, एक जैसा कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी डिज़ाइन बनाओ, बनाने से पहले आपने ज़मीन का इस्तेमाल सही होना चाहिए, मतलब उसको एल पेंट से तैयार करना है आपने। लाइट कलर देना है नीचे, बीच कलर दो, वाइट कलर दो, ऑफ वाइट कलर दो। ये देखो दोस्तों, अब मैं फोम की मदद से डिज़ाइन तैयार करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप भी ऐसे तैयार कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप देख रहे हो। दोस्तों, ये फोम आपने बिल्कुल अपने हाथ में पूरा ले लेना है। तो फोम का आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है, मामूल मुताबिक आपने इसको दबाना है, ताकि नीचे वाला भी शेड आपको दिखाई दे और ऊपर वाला भी शेड एक जैसा दिखाई दे आपको। ये फोम का
भी फॉर्म को आपने ऊपर वाले जो शेडिंग दिए हुए उसको आपने एक जैसा इकट्ठा करना है दोनों शेडिंग को। नीचे का भी शेड हल्का सा नज़र आया आपको दोस्तों, ये आपका डिज़ाइन तैयार और होने जा रहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों जो नया बंदा होगा वो इसको तैयार नहीं कर सकेगा, तीन या चार मरतबा इसको ट्राई करने कोशिश करने से इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपने ज़मीन का इस्तेमाल सही करना है, हेडपम्प से ज़मीन तैयार करनी है, इसकी फोर सीलिंग ये चलता है दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हो ये आपके सामने, ये फॉर्म की मदद से हमने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। ये दो शेड हमने इसके ऊपर लगाए, नीचे ग्रीन शेड लगाया, इसकी ज़मीन फाइल पॉइंट से तैयार किया हमने, वाइट कलर से बीच कलर की ज़मीन थी इसकी, आप वाइट कलर भी लगा सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं इनको रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।